यूपी के कौशाम्बी जिले में वर्चस्व को लेकर दो गुटों में जमकर बवाल हुआ है। पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के लोग आमने सामने आ गए और दोनों गुटों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ हुई है। इस दौरान प्रधान पक्ष की तरफ से कई राउंड की फायरिंग की गई, जिसमें कोचिंग से घर लौट रहे छात्र आयुष के चेहरे पर गोली लगी है। एक गांव रामसहायपुर में दो पक्षों में आपस में विवाद हुआ है, जिसमें एक पूर्व प्रधान एक वर्तमान प्रधान है। ये विवाद अचानक हुआ बताया जा रहा है, जिसमें कुछ सामान भी टूटे हैं और एक व्यक्ति को जो जा रहा था रास्ते में उसको भी चोट लगी है। गोली चलने की बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है। जिला अस्पताल उनको भेजा गया है, घायल को। उसकी स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, परंतु फिर भी इस जानकारी के लिए कि उसमें गोली चली है कि नहीं, उनका एक्सरे किया जा रहा है। गाँव में तनाव के माहौल के बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। घटना जिले के मोहब्बतपुर पैसा थाना क्षेत्र के रामसहायपुर गांव की है।